अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोग स्नैक ऐप पर मेरी तरह स्नैक ऐप से विड्रॉ लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देख लें। जैसे मैं स्नैक ऐप से विड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर विड्रॉल फेल, योर अकाउंट कंडीशन इज अबनॉर्मल, इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस इन सेटिंग हेल्प सेंटर। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आता है। दोबारा मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर विड्रॉ बैंक येस, और यहाँ पर कैश आउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी आ रही है। हो सकता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आए या आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। तीन सोल्यूशन बताऊंगा, तीनों सोल्यूशन की मदद से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन हैं जो कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूं, और मुझे मालूम है ये चीज़ें मैं अगर अपने अकाउंट के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मेरे अकाउंट के ऊपर भी ये जो कंडीशन है ख़त्म हो जाएगी और मेरा जो विड्रॉल है वो ईजिली हो जाएगा। कौन सी तीन कंडीशन हैं, कौन से तीन सोल्यूशन है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने स्नैक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग न्यू यूज़र हैं तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, 657-477। ये कोड आप लोग बाइंड करके खुद भी अर्निंग कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मेरी अर्निंग भी इंक्रीज करवा सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने स्नैक ऐप से अर्निंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं मेरी तरह आपके पास, यहाँ पर बैंक के ऊपर टैप करके मैं कैश आउट करता हूँ, विड्रॉल फेल, ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके तीन सॉल्यूशंस हैं, तीन वजह से हमारे पास आती है, मैं आप लोगों को अभी चेकआउट करवा देता हूँ। नंबर वन पे जो प्रॉब्लम हमारे पास फेस करना पड़ती है, हमने अपने अकाउंट को रजिस्टर यानी कि वेरीफाई नहीं करवाया होता। अब हम जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो नॉर्मली हम अपने जीमेल पर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और जीमेल की सिक्योरिटी मानी जाती है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो स्नैक वाले वो कहते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर आपके पास मेरा नंबर यहाँ पर रजिस्टर है, आपके पास यहाँ पर लिंक का ऑप्शन होगा, लिंक पर टैप करके आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, गेट OTP पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना नंबर सेव कर देना है। दूसरे नंबर पर अकाउंट प्रोटेक्शन, आपके पास यहाँ पर ये टर्न ऑफ होगी, आप लोगों ने सिंपली इसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद गेट कोड पर टैप करके आप लोगों ने यहाँ पर इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी अनेबल कर देने, दोनों स्टेप्स आप लोगों ने यहाँ पर अनेबल कर देने हैं। उसके बाद 24 घंटे लगेंगे, आपकी प्रोफाइल है वहाँ से आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी और आपका जो विड्रॉल है वो इजीली हो जाएगा। नंबर वन पे जो प्रॉब्लम है वो ये है, मेरे पास ये प्रॉब्लम थी, मैंने अपने अकाउंट को अनप्रोटेक्टेड किया था, मैंने अपने अकाउंट को प्रोटेक्टेड कर लिया है, अब 24 घंटे के बाद मेरा जो विड्रॉल है वो मैं यहाँ से ईजिली ले सकता हूँ, क्योंकि इनकी जो कंडीशन होती है सिस्टम अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो अभी अगर आप लोग ट्राई करेंगे आपके जो प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगी। इस तरह से जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये तमाम चीज़ें करने के बाद 24 घंटे वेट करना, उसके बाद आपने अपना विड्रॉल लगाना है तो इंशाल्लाह आप लोगों को विड्रॉल मिल जाएगा। नंबर दो पे ये होता है कि स्नैक ऐप पर हम अब जब भी अपना अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्मली अपने मोबाइल के ऊपर 2 से 3 फेक अकाउंट भी बना लेते हैं, तो स्नैक ऐप वाले कहते हैं कि हमारा जो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो यहाँ पर इसको कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है और आप लोगों का जो अकाउंट है उसको मतलब के सस्पेक्ट कर लेता है कि आपने 2 से 3 अकाउंट बनाए। तो ये गलती ना करें, अगर आप लोगों ने अकाउंट बनाए तो उन अकाउंट को ये ऐसा करें कि अपने मोबाइल में से लॉग आउट कर दें, या स्नैक ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर कैशे क्लियर का ऑप्शन नजर आए, इस पर टैप करके कैशे भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरा अकाउंट बनाया तो उस अकाउंट को बेशक लॉग आउट कर दें, या उस अकाउंट को डिलीट कर दें, या अपने मोबाइल में से स्नैक ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें, अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर लें, उसके बाद नंबर अटैच कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थर्ड एंड लास्ट स्टेप ये होता है कि हमें स्नैक ऐप से रब्ता करना होता है, स्नैक ऐप को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना होता है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले विड्रॉ पे जाना है, विड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पर जितना विड्रॉ लेना है उस पर टैप करना है, टैप करने के बाद यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कैश आउट, कैश आउट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने कैप्चर कर लेना है। मैंने स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया, आप लोगों ने भी सेम टू सेम इसी तरह से स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है। कैप्चर करने के बाद अपने प्रोफाइल में आना है, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर के ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करें, सबसे नीचे जाएं, जाने के बाद नन ऑफ अबव इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद टर्न टू कस्टमर यहाँ पर इस पर टैप करके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है जो चीज़ वहाँ पर सेम टू सेम स्क्रीनशॉट में दी गई है एज इट इज़, वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिखने के बाद आखिर में लिखना है कि प्लीज़ सॉल्व माई प्रॉब्लम, ये चीज़ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर प्लस पर टैप करना है, टैप करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने वहाँ से लिया था सिंपली स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अटैच करने के बाद स्नैक ऐप वालों को सेंड करते हैं, तो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको रिव्यू आएगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ ट्राई की है, मुझे रिव्यू भी आ गया, उन्होंने बताया था कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। आप लोगों को भी इस तरह से जो आपकी फीडबैक है उसका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। लास्ट वन ये है कि आप लोग स्नैक ऐप पर अपना अकाउंट तो क्रिएट कर लेते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद स्नैक ऐप पर हफ्ता डेढ़ हफ्ता वीडियोज़ अपलोड नहीं करते, तो स्नैक वाले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर आप लोग स्नैक ऐप पर एक्टिव नहीं रहते, अपने अकाउंट पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करते, तो आपसे कहता है कि आपका अकाउंट अब नॉर्मल है और वो अकाउंट यूज़ में नहीं है।
तो आप लोगों ने 2 से 3 दिन या ऐसा करें कि जब भी मैं आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के बाद अपने अकाउंट पर कोई भी रैंडम सी कोई छोटी मोटी वीडियो आप लोग अपलोड कर दें। मैं भी स्नैक ऐप पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करा था, ये तकरीबन मैंने हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले वीडियोज़ अपलोड की थी, लेकिन आज ही मैंने 1-2 वीडियोज़ भी अपलोड कर दी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना जो अकाउंट था वो भी यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है, फीडबैक भी कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो कैशियर है वो कैशियर भी क्लियर कर दिया। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं, अगर आप लोग इनको फॉलो कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं होती, यही 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, यही इनका सोल्यूशन है। इन आप लोगों ने ये चारों के चारों काम कर लेने हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, मिर्ज़ा की टैक, तो इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, वहाँ से क्लिक करके भी इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता कर लें, या कमेंट सेक्शन में बता दें जो प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ रही है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दे दूँगा। अदरवाइज़ यही चांस है, जितने स्टेप्स मैंने आपको बता दिया, अगर आप लोग उन स्टेप्स पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।